बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इट्स ए वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक और ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इट्स स्पेशल और अक्सर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को समझने में खासी मुश्किल आती हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक टुडे। एंड टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ development of chick embryo. chicken embryo yani murghi ka ya poultry ka jo anda hota hai, especially we will talk about the hen today, yani जो मुर्गी का अंडा है ये किस तरह से फर्टिलाइज होता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यानी हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और हो सकता है ये टॉपिक जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़े। तो जो पहला हिस्सा है इसकी आज हम बात करेंगे और इसमें जो टॉपिक शामिल होंगे उसमें पहला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है आप सब लोग जानते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड
चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हम अंडे खाते हैं टेबल एग्स जिनको कहते हैं हम नाश्ते में, ये अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और वो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जिन मुर्गियों के अंडे होते हैं उन मुर्गियों के अंदर मुर्गे नहीं होते, उनके अंदर मुर्गे नहीं होते, तो मेटिंग ही नहीं होती तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जबकि जो देसी मुर्गियां होती हैं या देसी मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो अमूमन फर्टिलाइज्ड होते हैं। इसलिए कि देसी मुर्गियों में अक्सर जो है मुर्गे भी भागते फिरते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन होती रहती है। तो अंडा फर्टिलाइज हो या ना हो, यानी मुर्गी ने अंडा देना ही देना है, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड है तब भी अंडा देगी जब फर्टिलाइज्ड है। तो फर्स्ट करें यानी ये जो अंडा है यानी स्पर्म की जो उसमें मेल में फर्टिलिटी जो है उसकी मेटिंग हुई है और जो स्पर्म है वो स्पर्म जो है इसकी फीमेल की बॉडी में एंटर हुआ और यूट्रस के बाद यानी यूट्रस के बाद ये ओविडक्ट है और ओविडक्ट में मौजूद जो एग है इसको ये फर्टिलाइज करेगा और इसकी फर्टिलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगी। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसकी क्लीवेज है यानी इसकी जो डिवीजन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है और इसकी डेवलपमेंट उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब ये अंडा ओविडक्ट में। उसके बाद ये अंडा जो है ये यूट्रस में जब आता है ये भी याद रखें ये जो अंडा यहाँ पे पहुँचा है जिसकी फर्टिलाइज इट्स ए सॉफ्ट एग, इसके ऊपर कोई शेल नहीं, यानी यहाँ पे सिर्फ योग है, योग के साथ जो है एग। अब ये जो एग है जो फर्टिलाइज हुआ है ये एग यहाँ पे ट्रेवल करना शुरू कर देगा और यूट्रस में आएगा। जब यूट्रस में आएगा तो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम शेल ग्लैंड्स कहते हैं, शेल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं जिसके नतीजे में अंडे का शेल बनता है। यानी यहाँ पे पहुंचने के बाद अंडे का शेल बनता है और अंडे का शेल बनने के बाद ये मुर्गी जब अंडा देती है तो इसके ऊपर इस तरह से शेल। अब एक चीज जो है ये अंडा है, अभी अंडे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये कि इसके बाहर शेल है इसके अंदर लूप है। अब चूंकि ये फर्टिलाइज्ड एग है तो इसमें यानी योग के साथ साथ फर्टिलाइज्ड एग भी मौजूद होगा जो कि डेवलपमेंट स्टेजेस स्टार्ट कर चुका है, यानी जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। और वो होता कहाँ है? इसके ऊपर। याद रखें ये जो जर्दी होती है बहुत सारे लोग जो हैं इसको भी यानी देख भी सकते हैं, अगर देसी मुर्गी का अंडा मिले तो आप उसको जब तोड़े तो उसके ऊपर जो जर्दी है उसके अंदर उस जर्दी के ऊपर आपको सफेद किस्म का स्पॉट मिलेगा, सफेद। और ये स्पॉट असल में मुर्गी का अंडा है, ये बाकी सारा सामान मुर्गी का अंडा नहीं है बल्कि इस अंडे की सपोर्ट के लिए यानी इस अंडे की प्रोटेक्शन के लिए, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये सारी ये अंडे की सफेदी, अंडे की जर्दी, इसके ऊपर शेल और इसकी मेम्ब्रेन्स, ये सब कुछ जो है ये अंडे की हिफाजत के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए। वरना असली एग यही है जो लास्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है यही। और इसकी जैसे ये अंडा मुर्गी के अंदर था यानी शेल बनने से पहले ही ये फर्टिलाइज हो चुका है इसमें ओविडक्ट, और उसके बाद जब मुर्गी अंडा देती है तो इसकी जो डिवेलपमेंट अंदर हो रही थी यानी इसकी जो डिवीजन हो रही थी वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। वो क्यों स्टॉप हो जाती है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब यानी मुर्गी के अंदर का जो टेम्परेचर था वो था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब वो मुर्गी ने अंडा दिया तो बाहर का टेम्परेचर 5 भी हो सकता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सर्दियां हैं, अगर गर्मियां हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो मुर्गी के अंडे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही थी, जो
जो जो रिवीजन हो रही थी, जो क्लीवेज हो रही थी, वो एकदम स्टॉप। आप ये यानी इस अंडे के अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, कैसे होगी, यानी जैसे मैंने कहा ये कैसे हुआ, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। और अगर हम इस अंडे को वही टेम्परेचर दे दें जो मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर था, तो उसमें वही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। अब इसका तरीका यह भी है, आपने देखा होगा कि मुर्गियां जो है वो ये जो अंडे हैं ये मुर्गियों के नीचे रख दिए जाते हैं और मुर्गियां उनको अपने पेट के नीचे रखें ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर अंडे को मिलता रहे। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास ये सहूलत नहीं है, यानी आपके पास कोई मुर्गी नहीं है तो उसके ऊपर बिठाने के लिए, तो यू कैन हैव इंक्यूबेटर मशीन, यानी कि मशीन होती है जिसको इंक्यूबेटर कहा जाता है। और ये इंक्यूबेटर मशीन जो होती है इसके अंदर दो ही चीज़ें जो होती हैं वो मेनटेन होती हैं कि मुर्गी का अंडा इस मशीन के अंदर रख दिया जाता है, ये डब्बे की मानद है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर दिया जाता है इंक्यूबेटर के अंदर। और दूसरी चीज़ जो इसमें मेनटेन की जाती है वो होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ताकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो अंडे के अंदर पानी है यानी वो जो वाटर कंटेंट्स है वो कहीं सूख ना जाए। अंडा अगर ड्राई अप हो जाए तो वो हैच नहीं होगा, वो ज़ाया हो जाए। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं आप मेनटेन करेंगे इस मशीन के अंदर। ये इंक्यूबेटर के अंदर फर्ज करें आपने मशीन रखे और इसमें अंडे जो है आपने रख दिए, तो ये 21 डेज के बाद यानी 21 डेज के बाद इसमें से चूजे निकल पाएंगे, ये हैच हो जाए। ठीक है, ये हैच हो जाए और इसमें से चूजे निकल आए। अब ये तो हो गया एक जनरल परसेप्शन या जनरल सी बात के फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, लेकिन एक्चुअली अंडे के अंदर क्या क्या होता है ये अभी देखना बाकी है। कि ये जो अंडा है इसमें जब ये यहाँ से फर्टिलाइज होकर चला है, मुर्गी ने इसको दिया है, उसके बाद इसने 21 दिन जो है इस मशीन में हमने रख छोड़े हैं, तो आखिर इन 21 दिनों में हुआ क्या है, कैसे वो एक इस तरह का अंडा जो है वो एक चूजे में तब्दील हो गया है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये देखना बाकी है। तो अभी हम इसी की बात करेंगे और ये देखेंगे कि अंडे के अंदर एक्चुअली क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं बिना देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कि अंडे के अंदर पहली तब्दीली क्या आई है। सबसे पहले ये देखें कि ये अंडा है और मुर्गी के ये ईयर, मुर्गी ने इसको अभी ले किया यानी मुर्गी ने अभी अंडा दिया है और इसके अंदर आप जानते हैं कि ये सफेदी होती है यानी जिसको हम एग वाइट कहते हैं, दरमियान में एग योक है। मेरे पास पीले रंग का बात करने के वरना मैं पीले रंग का बना देता, बाहर ये समझे कि ये योक है पीले रंग का है। ठीक है, फर्क ये जो योक है जैसे मैंने कहा इस योक के बिल्कुल ऊपर ये फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है यानी ये फर्टिलाइज हो चुका है। हमने जो एग लिया हमने इसको फर्ज किया है कि ये एग फर्टिलाइज्ड है, यानी बहुत सारे एग्स आप जैसे जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये जो मुर्गियाँ हम सुबह खाते हैं ये मुर्गियों के अंडे वो फर्टिलाइज नहीं होते, लेकिन हम फर्टिलाइज एग की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट जो है ये एक टू एंड सेल यानी डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर दो जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टू एंड इसको कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास यानी ये एग, ये जो एग योक है उसके ऊपर इस तरह से डिस्क की तरह से ये पड़ा हुआ है, डिस्क की तरह से पड़ा हुआ है, डिस्क का मतलब है कि चपटा सा पड़ा हुआ है, यानी जैसे कि अंडा आप सुबह हाफ फ्राई नहीं करते बिल्कुल तो वो एक डिस्क सी बन जाती है, बिल्कुल वैसे इस डिस्क के ऊपर ये पड़ा हुआ।
अब इसमें जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हुई तो पहला प्रोसेस कौन सा हुआ? पहला प्रोसेस इसमें हुआ है क्लीवेज। क्लीवेज तो पहला प्रोसेस जो है इसमें क्लीवेज है, और क्लीवेज का मतलब होता है विलय, यानी हमारे पास ये जो सेल है फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये फर्टिलाइज हुआ है मुर्गी के अंदर, तो इस ये एक सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और ये डिप्लॉइड सेल। अब ये डिप्लॉइड सेल यहां पर फर्टिलाइजेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा माइटोसिस के जरिए। तो सबसे पहले ये सेल जो है, इसमें एक और बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो क्लीवेज का पैटर्न होता है यानी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होते हैं ये सब में थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस ह्यूमन में है वो फ्रॉग में नहीं है, जो फ्रॉग में है तो वो दूसरे किसी मैमल्स में, यानी ये इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, यानी कि जो बेसिक प्रोसेस है तो इसमें इसमें जो प्रोसेस है वो बाकी जानवरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी जो क्लीवेज का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे ये फर्ज करें आपके पास एक सेल है, आपने इसको काटना है तो आप कैसे करेंगे, ऐसे छुरी रखेंगे इसको दो हिस्सों में काट देंगे, ठीक है, यानी वर्टिकल छुरी से, सॉरी वर्टिकल, ये फर्ज करें आपके पास एक यानी एक एप्पल है और आप इसको काटना, इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, पहले इसको दो हिस्सों में ऐसे छुरी चलाएंगे कि पूरे दो हिस्सों में, ठीक है, फिर इसी तरह से एक और ऊपर से ही नीचे छुरी चलाएंगे तो इसके चार, यानी जैसे चार पंखे बनेंगे, एक इस तरह से छुरी से और एक इस तरह से चार, ये दोनों जो थी ये जो दोनों कट है ये आपने ऊपर से नीचे लगाए, ठीक है, इसको वर्टिकल कहते हैं, तो इसके नतीजे में इसके कितने हिस्से हुए, चार, एक दफा आपने कट इधर लगाया एक दफा आपने कट इधर लगाया तो चार हिस्से, तो इसको हम वर्टिकल क्लीवेज कहते हैं। तो पहली जो इसकी दो क्लीवेज होंगी वो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे, अब उसके बाद जो तीसरी क्लीवेज होगी वो इस तरह से होगी यानी दरमियान से इसको कटेगा, दरमियान से जब कटेगा पहले कितने हिस्से हुए थे चार, अब दरमियान से कटेगा कितने हिस्से हो जाएंगे, चार नीचे और चार आठ, इसके कितने हिस्से होंगे आठ, तो ये आठ, आठ के बाद जो क्लीवेज का पैटर्न है वो बरकरार नहीं रहता, उसके बाद क्या है क्लीवेज रैंडम हो जाती है, फिर जिस सेल जो का जितन मर्जी दिन चाहे कि वो डिवाइड होना जिस मर्जी डायरेक्शन में होना, लेकिन आठ सेल तक इसका एक खास पैटर्न है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये जो इसके यानी एग के ऊपर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको डिस्क लाइक कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी जैसे फुटबॉल का यानी फर्क करेंगे फुटबॉल, ये फुटबॉल है और इसके ऊपर आपने एक प्लेट उल्टी रख दी, प्लेट उल्टी ये बिल्कुल वैसे ही यानी फुटबॉल है इसके ऊपर ऐसे प्लेट उल्टी बनी, इसको हम कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये जो प्लेट का स्ट्रक्चर है ये डिस्क लाइक है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है इसके ऊपर जो के ऊपर जो बड़ा होता है ये इट्स लाइक ए डिस्क, इसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब चूंकि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी क्लीवेज जब स्टार्ट होती है तो हम इसको कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज, डिस्कॉइड, डिस्कॉइडल क्लीवेज इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस जाइगोट का ये डिस्क लाइक होता है और इसमें जो क्लीवेज होती है इसीलिए आप इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज। अब आठ सेल हो गए, आठ फिर डिवाइड हुए तो 16 सेल हो, तो यानी ये 16 सेल की एक इस तरह से बनी थी, तो इस तरह से ये 16 सेल इसके ऊपर पड़े हुए, यानी ये सेल का एक मैस बन गया, यानी 16 सेल का ये एक मैस सब, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो 16 सेल का मैस है मरूला, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं मरूला, तो ये मरूला स्टेज यानी एक सेल का एक मैस बन गया, एक सेल से बात स्टार्ट हुई और डिवाइड होते होते 16 सेल में इस स्टेज पर जब ये पहुंचा तो हमने इसको मरूला कहा।
अब वरुणा जल है ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड स्नेक होती है, यानी कि 16 से ज्यादा सेल बने और उसके बाद इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है फॉर, यानी ये जो सेल का मैस है इसकी इसमें जो है वो तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और ये वरुणा अगली स्टेज में चेंज हो जाता है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लास्टुला। अब जो नेक्स्ट स्टेज है ये है वरुणा के बाद नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला इसको क्यों कहते हैं? ब्लास्टुला इसको असल में इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लास्टोसीन बन जाता है, यानी जब एम्ब्रियो के अंदर ब्लास्टोसीन बन जाए तो उसको हम वरुणा की बजाय फिर ये वरुणा नहीं कहेंगे बल्कि इसको ब्लास्टुला कहेंगे। और ब्लास्टोसीन कैसे बनती है ये देखें, ये योग के ऊपर पड़े हुए सेल है जो वरुणा था, ये योग के ऊपर पड़े हुए काफी सारे सेल हैं इस तरह से, यानी ये योग के ऊपर ये क्या है, ये वरुणा है। वरुणा है कि एक सेल की एक मैस है वो इस योग के ऊपर पड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसका दरमियान वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये यहां से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, ये सेल जो है यहां से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे और यहां पे एक कैविटी बन जाएगी जिसको ब्लास्टोसीन कहते हैं, यानी यहां पे आप एक इस तरह से जाएगा। ये जो कैविटी है ये कैविटी ये ब्लास्टोसीन है, ब्लास्टोसीन, और इसी की मुनासबत से इसको ब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। और अब ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ऊपर पड़े हुए इनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, इनको ब्लास्टोमियर्स कहा, ब्लास्टोमियर्स जी। तो ब्लास्टुला में जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें ब्लास्टोसीन बन गया, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाले जो सेल्स हैं थोड़ा सा अपर चले जाते हैं। तो ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला स्टेज में क्या है, क्या होता है कि मूवमेंट एंड अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी कि इसमें कुछ बनता नहीं है, यही सेल्स जो होते हैं ये कोई आगे हो गया कोई इधर हो गया कोई पीछे, इसमें सेल्स की मूवमेंट होती है और अरेंजमेंट होती है, कुछ सेल को इस तरह से अरेंज कर रहे थे। तो इसमें यानी याद रखें कि गैस्ट्रुला स्टेज में जो सेल्स होते हैं इनकी सिर्फ मूवमेंट होती है और अरेंजमेंट होती है या रीअरेंजमेंट होती है। अब देखें इनकी मूवमेंट और रीअरेंजमेंट कैसे होगी गैस्ट्रुला। और दूसरी बात और यानी इसमें मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात याद रखे गैस्ट्रुला, एक तो मैंने क्या कहा कि इसमें मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल, दूसरी बात यह है कि गैस्ट्रुला में जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, जर्मिनल लेयर्स। अब जर्मिनल लेयर्स जो है वो कौन सी है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, जर्मिनल लेयर्स जो है वो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये होती हैं जर्मिनल लेयर्स। और इन्हीं से यानी ये गैस्ट्रुला स्टेज का जो मेन इवेंट है वो ये है कि इसमें जो तीन लेयर्स हैं जर्मिनल लेयर्स वो बनती है। और ये तीन लेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि समझे कि ये तीन लेयर्स ही हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, यानी हमारी ऑर्गेनिज्म हमारी जो बॉडी है इसमें सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ इन तीनों लेयर से ही बने, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्टोडर्म है, इससे हमारी स्किन बनी हुई और इससे हमारा दिमाग सीएनएस बना, ठीक है। तो ये जो है ये जो मीजोडर्म है इससे हमारे जितने भी ये जो विसरा है विसरल ऑर्गन्स हैं ये सारी चीजें बने। तो ये तीन लेयर्स जो है जिनको जर्मिनल लेयर्स कहते हैं ये गैस्ट्रुला स्टेज के ऊपर बनते हैं। और कैसे बनती हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये लेयर्स
कैसे बनती है, जर्मिनल लेयर्स यानी गैस्ट्रोलाइट। तो और एक बात और भी है यहां पे कि ये जो सेल्स हैं आपने देखा कि ये सारे यहां से ये सेल्स जो हैं जो के साथ डिटैच्ड यानी सिर्फ यहां से ऊपर उठे, जबकि यहां पे इस हिस्से में ये इसके साथ जुड़े हुए, ठीक है, इसके साथ। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है यहां पे ये जो सेल्स हैं ये योग के सेल्स के साथ जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन। ये तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जोन ऑफ जंक्शन क्या होता है, कि वो जोन जहां पे यानी ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये इसके साथ योग के साथ जुड़े हुए हैं उनको जोन ऑफ जंक्शन, यहां से तो बाहर ऊपर उठे हैं तो वो उसके साथ डिटैच है। अब हम बात करेंगे कि ये जो अभी मैंने कहा कि ये जो थ्री जर्मिनल लेयर्स हैं ये किस तरह से बनती हैं, जर्मिनल यानी गैस्ट्रोला स्टेज कह लें कि जर्मिनल लेयर्स कह लें कि ये किस तरह से बनती है। तो ये देखें ये था जो योग के ऊपर पड़ा हुआ है क्या डिस्क, यानी ये डिस्क बनी हुई है, ये जो सेल्स की एक बहुत बड़ी यानी मैस है ये कई लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, ये अब ये एक साइड से जैसे मैंने कहा जुड़ी हुई है दरमियान से ऊपर उठी हुई है। तो ये जो यानी सेल्स की एक मैस है जिसको हम ब्लास्टुला भी कहते हैं, ब्लास्टुला में ये ब्लास्टोसीन इसके अंदर बन चुकी है। अब ये ब्लास्टुला से गैस्ट्रोला स्टेज में जाएगी, गैस्ट्रोला में क्या होगा कि इसी एक लेयर की तीन लेयर्स पर पहले ये लेयर जो है वो स्प्लिट अप होगी। पहली बात ये है कि अगर फर्ज करें ये इस तरह से यानी योग है और योग के ऊपर पड़ा हुआ है ये डिस्क, अब ये डिस्क को मैं अगर यहां से छुरी से काटता हूं तो आपको ये किस तरह का नजर आएगा, ये जो डिस्क है इसको मैंने छुरी से आपसे काट दिया, तो ये आपको अंदर से कैसे नजर आएगा, आपको अंदर से इस तरह से नजर आए ये मैंने काटा होगा और इसमें क्या होगा यानी ये जो है ये इसमें ये सेल, ये इसमें सेल, ये आपको ब्लास्टुला स्टेज पर नजर आएगी यानी सेल्स की मैस। अब हम जा रहे हैं इसमें गैस्ट्रोला स्टेज में जिसमें ये सेल्स अब लेयर्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, लेयर्स में कैसे डिवाइड होंगे, इट विल स्प्लिट अप इनटू टू लेयर्स, यानी ये जो है ये दो लेयर्स में पहले बनेगी, ये स्प्लिट अप हो जाएगी, आधे सेल्स जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे और आधे सेल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, इस तरह आधे सेल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे और आधे सेल्स जो हैं वो ऊपर। अब ये जो है ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट ऊपर वाली जो सेल्स की लेयर है इसको हम एपिब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। तो इस तरह से यानी ये दो लेयर्स तो बन गई। अब ये एपिब्लास्ट है ये मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में क्या बनेगी, इससे दो लेयर बनेगी, जो तीसरी लेयर मैंने बात की इससे दो लेयर कौन कौन सी बनेगी, इससे एक तो बनेगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और जो दूसरी बनेगी इससे वो बनेगी मीजोडर्म, मीजोडर्म यानी ये नीचे वाली तो एक ही लेयर रहेगी और इससे एंडोडर्म बनेगी, इससे क्या बनेगी एंडोडर्म जो अब क्या कहला रही है हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट फ्यूचर में जाके क्या बनेगी एंडोडर्म, जबकि जो एपिब्लास्ट है ये फ्यूचर में जाके क्या बनेगी एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और एक्टोडर्म से जैसे मैंने बताया हमारा सीएनएस बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, स्किन बनेगी, और मीजोडर्म से हमारे जो है विसरल ऑर्गन्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन्हीं तीन लेयर से बनेगी,
कौन सी तीन लेयर? ये लेयर जो है ये आगे जाके दो मजीद लेयर्स में बट जाएगी। एक तो पहले लेयर है, अब क्या कहला रही है, ये एपिब्लास्ट, और एपिब्लास्ट जो है ये क्या बन जाएगी, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। और उसके बाद ये जो नीचे है जो कि हाइपोब्लास्ट है, ये मुस्तकबिल में एंडोडर्म बनेगा। ठीक है, तो ये तीन, यानी अब ये जो तीन लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी ये जो दरमियान में हाइपोब्लास्ट, ये जो एपिब्लास्ट है, इसी के सेल्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे और एक तीसरी लेयर बनेगी। यानी जैसे मैंने कहा कि एपिब्लास्ट आगे जाके दो लेयर्स में बट जाएगी, एक तो हो गया एक्टोडर्म और दरमियान में मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है ये दरमियान में ऊपर वाली एक्टोडर्म और दरमियान में जो सबसे नीचे है ये एंडोडर्म। तो ये तीन लेयर्स बन गई। जब ये तीन लेयर्स बन जाती हैं तो गैस्ट्रुलर स्टेज कंप्लीट हो जाती है। यहां तक आपको हर एक चीज की समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जो अगला मरहला है वो तभी समझ आएगा जब आपको इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो नेक्स्ट जो है यानी नाटोकार्ड फॉर्मेशन और मीजोडर्म फॉर्मेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और इसका पार्ट टू जो है वो जरूर देखिएगा, जिसमें मीजोडर्म फॉर्मेशन और उसमें नाटो